अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। मैं आपके लिए एक ऐसा फार्मूला तैयार कर रहा हूं जिससे आपको काफ़ी मछलियां लगेगी, वो भी चैना जिसके छिलके होते हैं वो इस चीज़ पे ज़बरदस्त लगती हैं। मैं ख़ुद इस पे शिकार करता हूं। चलिए आज सीखते हैं। आपने फाइन आटा लेना है, ठीक है। लेने के बाद इसमें आपने पानी डालना है, ठीक है, काफ़ी शिकार लगेगा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, ठीक है। इस तरह पीस करके माचिस की तीली आपको नज़र आ रहा है, माचिस की तीली जो है ये इसके नाप में होना चाहिए, ठीक है। आपने कच्ची पक्की रोटी बनाना है, ठीक है। अभी 30 सेकंड के बाद इसको उल्टा करें। अभी इसका कलर देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, ये हाफ ब्राउन हो गया है, ठीक है। अब इसको गैस को बंद करते हैं। फिर आपने लेना है तेज़ चाकू, तेज़ जिसकी तेज़ धार हो, ठीक है। इसको आपने इस तरह काटना है, ठीक है, दरमियान में। जब दरमियान में काटोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें दरमियान में इतना काटोगे, ठीक है, ये इसके चार पीसेस हो गए, ठीक है। फिर आपने इसको इतना पीस आपने काटना है इसको, ठीक है, इसी तरह के पीस जो है काटने हैं आपने। जब काटने के बाद इसको इसी साइज में आपने काटना है, ठीक है। आप ये साइज देख रहे हैं, ठीक है, इसकी बड़ी जो नाखून है अंगूठी का, तो इसके साइज़ में आपने इसको काटना है, ठीक है, ये इसका साइज़ है, ठीक है। अभी ये जो बच गया है इसका हाफ पीस जो है, इसके मैं बारे में आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या करेंगे, ठीक है। इसको धूप से बचाना है, ठीक है, धूप से इसने बचाना है, धूप से इसे बचाना है। ये आपने प्लास्टिक में डालना है, शॉपर में और चाव में रखना है, ठीक है, ये ख़राब ना हो जाए। तो ये एक दिन, एक रात, एक दिन काम करता है, फिर आपने ताज़ी और बनाना है, ठीक है, दूसरे रात के लिए। चलिए ये हुक्स हैं, ठीक है, आप इसको इसी तरीके से आपने, ये चार हुक्स हैं, ठीक है, इसको आपने इतना लगाना है। इसको बोरे बोलते हैं, ठीक है, ये कच्ची पकी रोटी है, आपने दरमियान में इसमें इसको लगाना है, ठीक है, आराम के साथ किस किस साइड से लाना है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। एक जो हो गए इसमें, ये हो गए दो, ठीक है, और ये हो गए तीन, ठीक है, तीन हो गए। फिर सब में आपने इसमें को लगाना है, ठीक है, एक ये हो गए तो, ठीक है, इसका ये तरीका है। इस सारे को इसमें आपने लगाने हैं, ठीक है, चार हुक्स में। अच्छा, आप कहेंगे कि आप, मैं दूर कास्टिंग करूं सबसे दूर, ठीक है, तो इसका दूसरा फार्मूला भी है, ठीक। आपने यही रोटी है जो हमने पकाई थी, कच्ची पकी रोटी, ठीक है, इसको आपने ज़रा गीला करना है, इसको थोड़ा सा ये वही रोटी है, ठीक है, वो बड़ी साइज़ की है, तकरीबन 2 इंच की होगी ना ये रोटी, ठीक है। आपने इसको ज़रा इस साइड पे पानी देना है, ठीक है, पानी ये ज़रा पानी के साथ नरम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारे हुक्स को इसमें रख के आप इसको प्रेस करें, ठीक है, इसको हल्का सा वाटरप्रूफ बनाएं, इसको पानी दें ऊपर से कि ये ज़रा नरम हो जाए, ठीक है। ये नरम हो जाए, आप देख रहे हैं कि मेरे नाखून के ऊपर कलर है, कि ये मैं ड्राइंग कर रहा था, मुझे ड्राइंग का भी बहुत काफ़ी शौक़ है बचपन से, वो फिर उससे दूर फेंक सकते हो, लेकिन ये कुंडी से गिरेगा नहीं।